नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भर्ती 2020 के बारे में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शपथ आयुक्त के पद पर 8 पदों पर भर्ती करनी है। यह बेरोजगारों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन 22 जनवरी 2020 से पहले कर सकते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वैकेंसी 2020 सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी और नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें, फिर आवेदन करें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विभाग द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन करते समय होने वाली गलतियों से बचा जा सके। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी जैसे कि कितने पद है, वेतन कितना दिया जाएगा, आवेदन कब करना है, आवेदन कैसे करना है, इस प्रकार की सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस भर्ती से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी आपको देखने के लिए या फिर अन्य जानकारी पाने के लिए आपको खबर सत्ता का एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए विभाग का नाम हो गया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, पद का नाम हो गया शपथ आयुक्त, पद संख्या हो गई कुल 8 और नौकरी का पद हो गया सरकारी नौकरी। इसमें शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वैकेंसी 2020 में आवेदक के पास कानून यानी कि लॉ की डिग्री होना आवश्यक है और इसके समकक्ष होने वाले भी मान्य रहेंगे। एक योग्यता संबंधित समस्त जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा, जिसकी लिंक भी नीचे दी हुई है। पद संख्या कुल 8 है। आयु सीमा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट 2020 के लिए सभी कैंडिडेट्स कम से कम 18 वर्ष से 28 वर्ष तक होना चाहिए। यहाँ पे आप 28 पढ़ें, इसको मैं एडिट करके भी चेंज कर दूँगा, और इसकी आयु के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये आपको लगना है सभी कैंडिडेट्स के लिए। इसमें किसी प्रकार के कैंडिडेट के लिए अलग शुल्क नहीं है। चयन प्रक्रिया जो है ना, इसकी चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा, उसके बाद साक्षरता यानी इंटरव्यू, ऑनलाइन परीक्षा के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा। सैलरी के लिए भी आपको 2020 के लिए इसका नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, जिसके लिंक आपको नीचे दी हुई लिंक में आप पढ़ सकते हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 10 जनवरी से चालू हो चुकी है, इसके लिंक में मैं आपको नीचे दे देता हूँ। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी तक है, 22 जनवरी से पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भर्ती 2020 के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। नीचे दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर समस्त जानकारियाँ भरें तथा किसी भी माध्यम से फीस भरें। इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक ये दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक ये दी हुई है। तो इसके अलावा आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको लगातार अन्य आने वाली जॉब्स और वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और इसी बारे में आप यदि कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।